अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट डिज़र्ट की एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की है, क्रीमी है, उसके अलावा बहुत स्पॉन्जी भी है। 3 लेयर्स होंगी इस रेसिपी की, जो कि हम खुद होममेड बनाएंगे और बहुत ईजीली बन जाएंगी। आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लाइक कर दें वीडियो को, अगर पसंद आए तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहली लेयर होगी हमारी वनीला स्पॉन्ज की। उसको बनाने के लिए मैंने 2 अंडों की सफ़ेदियाँ ली हैं, उसकी मैंने जर्दी अलग कर ली थी और सफ़ेदी को मैं बीट कर लूँगी प्रॉपरली। 2 से 3 मिनट में पहले इसको बीट करूँगी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1/2 कप ऑफ शुगर। शुगर आपने पाउडर फॉर्म में लेनी है, ग्रेनुलेटेड शुगर नहीं ऐड करते कभी भी केक के अंदर। अब इसको मैं बीट कर लूँगी विद एग वाइट्स, और इतना बीट करूँगी कि एक फ्लफ़ी सा जो है टेक्सचर दे। एग वाइट्स 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद जब थोड़ी क्रीमी फॉर्म में आ जाएंगी, तो हम इसमें दोनों एग योक ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले अलग-अलग कर ली थी। इनको ऐड करने के बाद इसको दोबारा बीट करेंगे, और बीट आपने तब तक करना है जब तक कि दोबारा से एक क्रीमी मिक्सचर में नहीं आ जाता। तकरीबन ये पूरा प्रोसेस जो है वो 7 to 8 मिनट्स का है, जो कि आपने ग्रेजुअली करना है, एकदम से सब चीज़ों को बीट नहीं करना। 3 से 4 मिनट मैंने इसको मज़ीद बीट किया, और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून वनीला एसिन ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, एग की स्मेल नहीं आती इससे, और वैसे भी हम वनीला स्पॉन्ज बना रहे हैं इसलिए हम इसमें वनीला एसिन 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और इसको दोबारा से बीट करके क्रीमी फॉर्म में लेके आएंगे। यू कैन सी दैट कि ये देखते ही देखते इस तरह से क्रीमी टेक्स्चर देना शुरू हो गया। दिस इज़ अ परफेक्ट टेक्स्चर। अब थोड़ा सा इसके साइड्स को स्क्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदे की मेजरमेंट हमने लेनी है 3-4 कप, उसको ऐड करना है ग्रेजुअली। आपने थोड़ा सा ऐड करके फिर उसको मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा ऐड करके इसको मिक्स करना है। 3-4 कप की मेजरमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 कप के 4 हिस्से हैं, तो आपने 3 हिस्से लेने हैं, यानी कि 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने मैदा लेना है। मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। मिल्क ऐड करने से इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत क्रीमी हो जाएगा। यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन कि कितना क्रीमी टेक्स्चर दे रहा है। अब सारे बैटर को मैं ऐड करूंगी पैन के अंदर। यहाँ पे मेरे पास वो वाला बर्तन है जिसके अंदर मैंने अपना डिज़र्ट बनाना है, और ये ओवन फ्री है। आपने अगर शीशे का बाउल लेना है तो उसको ओवन फ्री ही लेना है। अगर वो ओवन फ्री नहीं है तो वो आपका ओवन की हीट से जो है वो टूट जाएगा। ये मेरा ओवन फ्री है, दैट्स वाई मैंने इसको यूज़ किया है। अच्छे से मैं अपना पूरा बैटर जो है इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी, ताकि ये हर तरफ से इवन हो। हाथ के मन से आप ज़रा इसको हिला लें ताकि ये इवन हो जाए। उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। बेक आपने इसको करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। हर ओवन की अपनी सेटिंग होती है, मैंने अपने ओवन की सेटिंग आपके साथ शेयर कर दी है। 160 डिग्री के ऊपर अपर एंड लोअर दोनों रॉड ऑन करके मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख दिया था। 25 मिनट्स के बाद यहाँ पे मैं केक स्टिक से चेक कर रही हूँ। अगर आपकी केक स्टिक जो है वो स्मूथली बाहर आ जाती है, कोई बैटर उसके साथ नहीं लगा हुआ, दैट मीन आपका केक रेडी है। 25 मिनट्स उसको लगेंगे कूलिंग रैक पर रख के या कहीं पर रख के इसको ठंडा कर लें। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है पहले, फिर उसके ऊपर फोक की मदद से इस तरीके से सारे आपने होल्स कर लेने हैं, और अंदर ऐड कर देना है कोकोनट मिल्क। ये ऑलमोस्ट 1/2 कप है। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल मिल्क जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, और उसको सॉक होने के लिए रख दें। कुछ देर के बाद मिल्क इसमें खुद ही जज्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए है 250 ml कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रेसिपी, क्योंकि ये सारी रेसिपी का जो टेस्ट है उसको फ्लेवरफुल बनाना है जी कोकोनट मिल्क ने। इसको आपने ऐड करना है एक फ्राइंग पैन के अंदर, या जिसको भी आप कुक कर सकते हैं। मैंने नॉनस्टिक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऐड करी कॉर्नस्टार्च। इस सारे मिक्सचर को हम करेंगे जी बीट थोड़ी देर, और उसके बाद हम इसको स्टोव पे रखेंगे। इसको पहले स्टोव पे रखने का मकसद ये होता है ताकि आपके कोई भी लम्स ना बने। बाद में इसको स्टोव पे रख के भी कॉर्नस्टार्च को ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कॉर्नस्टार्च के अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करके फिर उसके बाद कॉर्नस्टार्च को ऐड करेंगे तो कभी भी लम्स नहीं बने। आपने इसको कुक करना है ऑन लो टू मीडियम फ्लेम, फिर उसके बाद मीडियम टू हाई करके इसके सारे मिक्सचर को आपने थिक कर लेना है। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, दिस इज डन। जब ये डन हो जाएगा अच्छी सी कंसिस्टेंसी, थिक सी दे देगा। थिक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है जब ये दे देगा, तो आपने इसको कूलिंग रैक पे कूल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा स्पॉन्ज जो है उसमें आप देख सकते हैं सारा जो मिल्क था वो सॉक हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको एक लेयर दी है विद कोकोनट, क्रश कोकोनट की लेयर दी है, और उसके ऊपर मैंने अपना जो क्रीमी मिक्सचर
बनाया था विद मिल्क, कोकोनट मिल्क, तो मैंने वो ऐड कर दिया। कोकोनट सॉस जो बनाई थी उसको ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी, और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी थर्ड लेयर जो कि बहुत क्रीमी होने वाली है। यहाँ पे मैं हेल्प ले रही हूँ डबल बॉयलर प्रोसेस की। आपको क्या करना है, हाफ कप क्रीम लेनी है इन अ बाउल, और नीचे आपको रख देना है नीम गर्म पानी, जो कि साइज़ में आपका बाउल थोड़ा सा नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा थोड़ा सा छोटा होगा, और वो शीशे का होना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम इसमें चॉकलेट ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये प्रोसेस मैं बता दूँ, ये प्रोसेस आपने उस वक्त यूज़ करना है जब आपकी चॉकलेट जो है वो मेल्टेड नहीं है। अगर आपकी चॉकलेट जो है वो डार्क चॉकलेट जो होती है वो मेल्टेड है, तो फिर आपको ये प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हटा के ही व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर सकते हैं, ठीक है जी। जब आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो आपने बॉयलर को हटा देना है और इस टेक्सचर में अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने आज कोई मशीन यूज़ नहीं की है, आज मैंने हाथ से इसको व्हिप किया है। दैट्स मीन कि आप व्हिपिंग क्रीम को हाथ से भी व्हिप कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी चॉकलेटी सी क्रीमी लेयर एज अ थर्ड लेयर इसमें ऐड करेंगे। नीचे वाली लेयर का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, तो जब आप इसको सेट होने के लिए रखें तो उसको फ्रीजर में रख दें ताकि दोनों लेयर्स आपस में मिक्स ना हो जाए। इस क्रीम को भी मैंने इवनली जो है वो सेट कर लिया। अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा होकर बाहर आएगी तो मैंने इसके ऊपर जो है वो कोकोनट स्प्रिंकल कर लिए हैं सारे। आप ड्राई कोकोनट यूज़ करके इसको स्प्रिंकल कर लें। एंड नाउ आई विल शो यू कि कितना ज़्यादा क्रीमी मज़ेदार सा बना है। इसको अच्छे से ठंडा करके खाएं ताकि ये लेयर बाय लेयर ईजीली जो है वो निकल आए। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़े मज़े की और बड़े ही यूनिक स्टाइल में एक डिज़र्ट बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप न्यू हैं। और अगर न्यू नहीं है तो अपने मेरे चैनल को जो है वो शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।